नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे किस तरीके से हम लेस देन इक्वल ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आउटपुट को एक्टिव करने के लिए। अगर हमें कहीं पे भी लेस प्लस इक्वल दोनों ही फंक्शन अगर हमें चाहिए, देन हम वहां पे लेस देन इक्वल ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इनपुट क्रिएट करते हैं i0.0 और एक काउंटर का इस्तेमाल करते हैं c1 i0.1 c#6 and i0.3 अब हमें आउटपुट चाहिए जब काउंटर के वैल्यू लेस देन 3 हो या इक्वल टू 3 हो जाए, तब तक हमें आउटपुट मिलता है। तो उसके लिए हम लेस देन इक्वल ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे mw0 m3 और एक आउटपुट q0.0 डाउनलोड करते हैं। देन मॉनिटर करते हैं। इनिशियली में जब काउंटर के वैल्यू 0 है तो 0 इज लेस देन 3, आउटपुट एक्टिव होगा। फर्स्ट टाइम ऑपरेट करते हैं 1 इज लेस देन 3 तो भी आउटपुट एक्टिव होगा, सेकेंड पल्स पे भी और थर्ड पल्स पे भी, क्योंकि यहाँ पे हम लेस और इक्वल दोनों सिस्टम पे आउटपुट चाहते हैं। जैसे ही फोर्थ पल्स आएगा तो 4 इज ग्रेटर देन 3 तो कंडीशन इनवैलिड हुआ और आउटपुट ऑफ। अगर कहीं हमें डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करना है तो हम दोनों जगह या तो एक जगह सेट वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक जगह कोई फील्ड वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज HMI के थ्रू हमें डेटा एंटर कराना है तो हम MW0 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कहीं पे मेरे पास कोई फील्ड से वैल्यू आ रही है, लेट्स सपोज MD7 एंड MD13 एक आउटपुट ऑपरेट करना चाहते हैं 0.1। तो अगर हमें डायरेक्टली भी वैल्यू पुटअप करनी है रियल फॉर्मेट्स में तो हम कंपैरेटर R का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस देन इक्वल R का इस्तेमाल कर सकते हैं। करते हैं जैसे कि हम यहाँ पे सेट वैल्यू करते हैं, लेट्स सपोज 8.9। जब तक इंटीजर 1 की वैल्यू इस वैल्यू से कम है आउटपुट मिलता रहेगा 7.8, या अगर हम यहाँ पे 8.9 भी कर देते हैं तो भी वैल्यू मिलती रहेगी। लेकिन इस वैल्यू से अगर हम कोई ग्रेटर वैल्यू दे देते हैं तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा। इस केस में भी जब तक वैल्यू लेस देन 3 है तब तक ऑपरेट रहेगा, जैसे वैल्यू 3 से इक्वल हो जाएगी तो भी एक्टिव रहेगा, अगर 3 से ग्रेटर वैल्यू हो जाती है, लेट्स सपोज 4 हो जाती है तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो जो लेस देन इक्वल ब्लॉक है वो वहां काम आएगा जहां पे हमें लेस पे भी ऑपरेशन आउटपुट एक्टिव चाहिए और इक्वल प्रोसेस पे भी आउटपुट एक्टिव चाहिए। तो इस तरीके से हम कंपैरेटर ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सीमेंस PLC। थैंक यू।